हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये अगला दिन था करवा चौथ से अगला दिन वाला। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी बर्तन साफ, और ये सुबह का ही टाइम है। और इसके बाद जो किचन इतनी भर गई थी करवा चौथ और दिन रात को, तो मैं जल्दी जल्दी फिर इन बर्तनों को साफ कर रही थी क्योंकि ड्यूटी के लिए उन्हें को खाना बनाना था। मैं रात में तो नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइव में चले जाते हैं ना, तो काम भी छूट जाता है, तो इस वजह से बर्तन साफ नहीं हुए थे। तो और तो मेरे साफ था पर बर्तन साफ नहीं थे, तो ये मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। और फिर चाय पी ली थी मैंने, बनाकर चाय पीने के बाद फिर सोच रही थी मैं क्या काम करूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कपड़ों की तय बना लूँ। कपड़े रखे थे ना मेरे, धुल के आए थे तो वो कपड़े रखे थे, तो मैं उनको भी तय बना लेती हूँ। तो शक्ल भी ऐसी हो रही थी जैसे 12 बज रहे हो, कोई ना पर पहले मैं पहले काम को निपटा लूँ। बर्तन साफ कर लिए थे और कपड़े धोते हैं, तो मैं उनको खाना बनाया था, तो वो वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। सिर्फ मैंने ऐसे ही आपको सिर्फ ये कपड़े तय बना रही थी। और कपड़े ये पता है 2-3 दिन 4 दिन के हो गए वो कपड़े हैं, और इसके बाद ऐसे ही बेड पर पड़े हुए थे। और कपड़े भी इतने सारे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, ये मेरा जोड़ा खुल गया था एकदम, सिल्की बाल हो रहे हैं ना। तो उसके बाद मैं ब्लीचर लगा लिया है, और मैं बेड शीट मैं कह रही सोच रही थी बेड के ही बना लूँ। मैंने बोला रितेश भाई ये चादर की तय बनवा दीजिए। चादर की तय बनवाने के ठीक है वो है, और इसको मैं तय बना देती हूँ बेडशीट की। अब ये हो गया शाम का टाइम, शाम के टाइम में आज बनेगी चाप की सब्ज़ी। तो चाप की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, और इसको बना लेते हैं। तो अदरक अदरक प्याज और लहसुन को मैं इसमें काट देती हूँ, तो ये पीस जाएंगी। और इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची वगैरह, ये मैं डालूंगी, और ये मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। पहले इनका पेस्ट बना लेती हूँ और मैं दिखा देती हूँ। ये पैकेट है, पैकेट वाली है सोया चाप जो बोलते हैं, तो इसको मैं पहले पानी में धुल लेती हूँ और इस तरीके से निचोड़ लेती हूँ। और बहुत ही अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। और ये पहले मैं निचोड़ लेती हूँ, निचोड़ने के बाद फिर मैं इनको तलूँगी, और ये तल के ही बनती है सब्ज़ी। और उधर मैंने रखती हैं, तो उधर हो रही है कढ़ाई गरम, तो कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल। तो मैंने तेल डाल दिया है और ये गरम हो जाएगा। तो इनको मैं तल लूँगी, तो ये मैंने डाल दिए हैं। तो ये 1/2 किलो चाप थी, तो यही काफ़ी रहेगी क्योंकि एक सब्ज़ी और है सूखी सब्ज़ी, सूखी सॉरी सूखी नहीं दाल, एक दाल है, तो ये काफ़ी रहेगी। और ये हम नहीं बना रहे हैं, हमारा बेटा श्री बना रहा है, तो यही ऐसी चीज़ें यही बनाता है ज़्यादातर जब उसका मन होता है। और ये इनको काट लेते हैं, तो वो कह रहा था मम्मी आप ही काट दीजिए, तो इनको मैं काट देती हूँ चाकू से। और ये मैंने स्टिक निकाल दी है, स्टिक स्टिक
स्टिक समेत भी बन जाती हैं और बिना स्टिक के भी बन जाती है, तो मैंने ये स्टिक निकाल दी हैं और इनको मैं काट लेती हूँ। बहुत गर्म हो रही थी, हाथ भी जल रहे थे और जल्दी जल्दी काट रही थी। मैं दिखा रही थी मेरे हाथ जल रहे हैं। हाँ, और फिर ये डाल दिया है पेस्ट और पेस्ट को भूनेंगे, तो इसको मीडियम आंच पर ही भूनेंगे और जिससे कि इसमें महक ना हो, और इसको भूनते रहेंगे हल्का हल्का, मतलब भूनते 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 ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। ये टमाटर डाल दिया है तो इसको भी ऐसे चलाते रहेंगे, और चलाने के बाद फिर बेटा इसको चलाता रहेगा। चलाने के बाद कह रहा था मम्मी मसाले निकाल दीजिए, तो अब डाल देते हैं इसमें मसाले। तो ये डाल दी है मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो इसके बाद बहुत ही ज़्यादा पत्ता, और फिर इसके बाद सारे मसाले डाल दिए हैं। ये डाल दिया नमक, और फिर इनको ऐसे चलाएंगे। फिर डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसको फिर चलाएंगे। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी, और इसको थोड़ा सा देर ऐसे ही फिर पकाएंगे पानी डालकर। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकाते हैं ना, तो मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाता है। और पक जाता है तो ये जितना मसाला अच्छी तरीके से पक जाएगा उतना ही सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा आएगा। और दूसरी बात यह है कि कोई भी सब्ज़ी हो तो मन से बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। और ये थोड़ा सा मेरा मलाई थी तो इसका मैंने मक्खन निकाल लिया है, तो इसको भी घी निकाल दूंगी। और वो घी इसलिए निकालना पड़ा जल्दी से कि मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले थे और मेरे यहाँ घी ख़त्म हो गया था, मतलब था थोड़ा था, इतना नहीं था कि काम चल जाए, तो मुझे अर्जेंट ही कि मुझे घी निकालना पड़ा। तो जितनी भी मलाई थी उसी से मैंने घी निकाल लिया, तो राखी का मेरा काम चल गया था। और उधर बनी है सब्ज़ी, और फिर इसके बाद रखूँगी मैं दाल बनाने के लिए। दाल बनाने के बाद फिर डालूँगी मैं पानी। पानी डालने के बाद फिर मैं और इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। पकाने के बाद इसको यहाँ बन गई है मेरी सब्जी, और सब्जी देखने में भी अच्छी लगती थी। और इसके बाद मैं डाल दूँ इसमें धनिया पत्ती। और मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।